अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और LG के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन LG साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। और उससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में अधिकारियों पर दबाव डाला गया, दिल्ली आबकारी केस की जांच कर रहे अधिकारी को हटाया गया। रविशंकर प्रसाद बोले कि दिल्ली पूरे देश की है, भारत का एक भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। ईश्वर मंदिर में हुई घटना की जांच के लिए बनाई गई SIT की टीम नासिक पहुंच गई। आरोप है कि वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया था, जिसके बाद SIT की टीम ने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके पास मौजूद एक दरगाह का दौरा किया। साथ ही इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की। कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पे गया हूं, कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूंगा मैं। आरोप है कि मंदिर में दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लड़कों ने घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था, पर यह मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा था। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़क गया, उसने इसे जंग की तैयारी बता दिया और एक बार फिर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से शुरू होगी। असल में इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा होगा। दावा